नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान और मैंने सोचा कि आपकी लाइफ में कामनेस लाने के लिए आप खुद को ऑटो पायलट मोड में कैसे डाल सकते हो। ऑटो पायलट मोड ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं ना, यू विल बी सरप्राइज टू हेयर दैट। देखिए, जो स्मेल है, हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि हमारे नोज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। सो स्मेलिंग एंड मेमरी आर क्लोजली कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ब्रेन्स एनाटॉमी। आप ये समझिए कि जब हम स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को, फ्लावर्स को, किसी भी चीज़ को जब हम स्मेल करते हैं, तो जो स्मेल जब वो हमारे ब्रेन के फ्रंट हिस्से में जाती है, ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। यही फ्रंट का जो ब्रेन का जो हमारा पार्ट है, ये बाकी बॉडी को भी कमांड देता है, अलग अलग पार्ट्स को भी कमांड देता है। पर मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ, व्हाट सेंस एम आई ट्राइंग टू मेक, ध्यान से सुनिए। तो जब आप खाना खाते हैं और आप खानों में जो बारीक फ्लेवर्स को पकड़ पाते हैं, इलायची है, सिनेमन है, या सैफरन है, या इसके अंदर गुलाब की खुशबू है, या वनीला फ्लेवर है, जब हम बारीक फ्लेवर्स को पकड़ पाते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट टेस्ट, इट इज़ स्मेल। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वनीला आइसक्रीम खाइए और अपने नोज़ को बिल्कुल टाइटली बंद करके खाइए। आपको सिर्फ मीठे का टेस्ट आएगा, वनीला का फ्रेग्रेंस या फ्लेवर नहीं आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को च्यू करते हैं या टंग पर लगाते हैं, तो जो वो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वापस से हमारे नेजल एपिथेलियम में चले जाते हैं, यानी कि हम स्मेल और फूड को रिलेट कर कर खा पाते हैं। और आपको पता है, सेंस ऑफ स्मेल ही ऐसा एक अकेला सेंस है जो बच्चे के, यानी कि मदर के वोम में फीटस का फुली डेवलप्ड होता है। तो छोटा बच्चा जो होता है, टिल द एज ऑफ 10, उसकी सेंसिंग स्मेल, जो स्मेल की सेंस होती है, वो बहुत फास्ट होती है। वो क्या पसंद करेगा, क्या नहीं पसंद करेगा, ये एक बच्चा बचपन में ही डिसाइड कर लेता है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। बट ये सारा ज्ञान मैं आपको क्यों दे रही हूँ, आपकी और अपनी लाइफ बदलने के लिए। कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं। एज वी ग्रो, हम अपने नोज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो लोगों की सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाती है। नोज़ इज़ ऑल्सो लाइक अ मसल इन योर बॉडी। आप जितना ज़्यादा नोज़ को यूज़ करेंगे, जैसे फ्लावर है, स्मेल इट डीपली, इसको जितना इस्तेमाल करेंगे लाइक एनी अदर मसल इन योर बॉडी, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जब ये स्ट्रांग होगा, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ फ्रेग्रेंसेज हैं जैसे कि जैस्मीन, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जैस्मीन को आप लाइट कर सकते हैं, जैस्मीन फ्लावर्स आसपास रख सकते हैं। तभी लोग जैस्मीन के फूल बांधकर रिलैक्स होकर डांस देखा करते थे, दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट। रोज़ को वैलेंटाइंस डे पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ रोज़ आपके अंदर से इमोशंस, लव के इमोशंस, प्लेजर के इमोशंस को जगाता है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा रात में एंग्जाइटी होती है, अपने पिलो पर या अपने फोरहेड के पास में लैवेंडर ऑयल को लगाकर सोइए। आपको तीनों दिन में दिखने लगेगा कि आप कितने रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। सिमिलरली, आपने देखा था पहले के टाइम पे लोग सैंडलवुड लगाते थे, माथे पे चंदन लगाते थे। सैंडलवुड जो है, ये आपको ग्राउंडिंग देता है, यानी कि आप बहुत उथला पुथला सा या अनईजी फील नहीं करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसीलिए लोग चंदन को माथे पे लगाते थे, तो फील रिलैक्स्ड, टू फील काम। बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्त यह आप अपने नोज़ को ज़्यादा एक्टिव करें, ताकि ये आपके ब्रेन के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप अपनी लाइफ को, अपने थिंकिंग पैटर्न को ऑटो पायलट मोड पर डाल सकते हैं और अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे और बहुत सारी चीज़ें, टू कंट्रोल योर ब्रेन, टू मैनेज योर ब्रेन, टू ब्रिंग योर इफेक्टिवनेस, टू बिकम अ हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ पर बात करूँगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई इश्यूज़ हैं जो आप फेस करते हैं, प्लीज़ मेक इट जेनरिक एंड शेयर इट विथ मी। आई एम गोइंग टू टेक योर नेम, टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। इन्जॉय योर डे, हैव अ बेस्ट डे।